अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर हम मिस्टर नबील साहब के साथ आए हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप जानते हैं कि मिस्टर नबील साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, RCIC मेंबर हैं और पिछले 10 साल से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो रमज़ान के बिजी स्केड्यूल में जो है वो हमें टाइम दिया। तो सर बताएँ कि आजकल कैनेडा इमिग्रेशन में क्या न्यूज़ चल रही हैं और कैसा जा रहा है रमज़ान? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और हेलो टू एवरीबॉडी जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और सुलेमान के तवज्जो से जो आप हमें फॉलो करते हैं चैनल को, आप हमारे थैंक यू वेरी मच अगेन। और सुलेमान ने बड़ा मुझे वो डाला हुआ था प्रेशर के जी वीडियो बनाए, लिटरली कोई 3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो आज हमें टाइम मिला, हमने आज काम शुरू किया, हमने इनके साथ हमने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं। देखिए अगेन आप लोगों ने वीडियोज़ फॉलो की होंगी, रियलिटी ये है कि कैनेडा गवर्नमेंट इज़ ऑन द राइट ट्रैक। आप भी जानते हैं कि जी कि उन्होंने कहा हम बंदे ज़्यादा लेंगे, हम PR पे ज़्यादा होंगे, वर्क परमिट पे ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे और PR को उन्होंने क्लियर गोल दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा हम बैकलॉग भी दूर करेंगे और PR को भी दूर करेंगे, मतलब जितना भी PR। तो अब के देखिए आगे नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपने देख लिया कि 1.5 मिलियन लोगों ने PR बनना है। ठीक है, अगर आज आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि इस वक्त कैनेडा ने लास्ट ईयर को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट नंबर है कि 437,000 लोगों को PR दिया है। ठीक है जी, एंड अबाउट 607,000, 6 लाख से प्लस 600,000 प्लस लोगों को उन्होंने वर्क परमिट दिया, मतलब वर्क परमिट टेम्परेरी रेजिडेंसी है, तो वर्क परमिट हो गया, स्टडी परमिट हो गया। तो अब ये लगा लें कि 1 मिलियन लोग कनाडा के इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए हैं। ठीक है जी, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर आप जो मुल्क 637,000 दे रहा है, 437,000 जो दे रहे हैं PR और 600,000 जो दे रहे हैं वर्क परमिट्स या स्टडी परमिट्स, अब उससे अंदाजा लगा लें कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है उस बारे में, मतलब वो। ठीक है जी, तो अब इसमें दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज फॉर एवरीबॉडी हु हैज इंटेंशन एंड हु हैज द स्किल सेट, तो देयर इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। मतलब अगेन इसमें आपको विजन होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप करना क्या चाह रहे हैं। आप बिल्कुल सर, सबसे पहले ये बताएं कि समर आ रहा है और समर में कनाडा वैसे ही खूबसूरत है लेकिन समर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये राइट टाइम है विजिट वीजा अप्लाई करने का? डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये तो बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का, बिकॉज यू आर एन अप्रैल नाउ और अप्रैल में आपको अभी अप्लाई करेंगे तो आपको 2 से 3 माह में आपको विजिट वीजा अप्रूव होएगा इंशाल्लाह, एंड देन यू कैन विजिट हियर इन समर्स। और अगेन मैं वही जिस बात की तो थोड़ी देर पहले कि अब विजिट वीज़ा का मकसद आपका अगर विजिट वीज़ा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कराना है आपने ला के यहाँ पे अपना किसी और सिनेरियो में, देन यू हैव टू हैव अ प्लान अकॉर्डिंगली, तो यू हैव टू हैव अ प्लान accordingly और फिर हम उसके हिसाब से हम फिर we'll move from there onwards कि जी आप तो क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजिट वीजा का मकसद क्या, ऑब्वियसली विजिट वीजा यस वन करेक्ट, समर्स आर अप्रोचिंग, आप विजिट वीजा कर सकते हैं, लेकिन फर्दर अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो देन वी कैन डिस्कस अकॉर्डिंगली। ओके, लेकिन सर ये पॉसिबल है कि विजिट वीजा को आप स्टडी वीजा में या वर्क वीजा में चेंज कर सकें? बिल्कुल ऐसे ही है, विजिट वीजा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टडी वीजा एंड वर्क वीजा 100%, बल्कि वर्क वीजा के हिसाब से मैं आपको न्यूज़ दे दूं कि आपको पता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अलाउ किया था अप टू फरवरी 28 के जी के विजिट वर्क वीजा कैन अंदर कनाडा के अंदर आके अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर उसके लिए रिक्वायरमेंट थी आपको LMIA की, अभी भी है, लेकिन वो इनसाइड कनाडा आके अप्लाई करने की गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन अप्लाई अप्रूव कर दी है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर कम अज कम। सो अब ये है कि अगर आप कनाडा आते हैं विजिट वीजा पे, आपके पास LMIA अप्रूव्ड है, ठीक है, दैट मीन्स जॉब ऑफर अप्रूव्ड है आपके पास यहाँ पे, तो आप इनसाइड कनाडा आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी दूसरी बात रहेगी स्टडी परमिट की, तो सलमान आपने भी देखा है आपके बेशुमार क्लाइंट्स हमने कन्वर्ट किए हैं, हमने उनको रिलेटेड टू स्टडी, उसमें ये होता है कि अगर लेट्स से आपकी वाइफ शी गोज़ ऑन टू बिकम अ स्टूडेंट इनसाइड कनाडा, तो आपको खुद को लेट्स से आप उनके हस्बैंड है तो आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा एंड योर चिल्ड्रन कैन गो टू स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू ग्रेड 12। ठीक है, आपके 2 बच्चे 3 बच्चे जितने बच्चे हैं ग्रेड 12 में चले जाते हैं, तो आपके तो एक्सपेंस क्या हो रहा है आपकी वाइफ की स्टडीज का, आपकी वाइफ स्टूडेंट है, आपने आप वो स्टडी करी, आप ओपन वर्क परमिट काम करें, दिस गिव्स यू एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू सेटल डाउन इन कनाडा एंड लीगली आप लिटरली 5 साल का स्टे आपको लीगल मिल जाता है, 2 साल आप पढ़ेंगे, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और हस्बैंड को आपके थ्रू आउट द स्टे आपको 5 ईयर्स का ओपन वर्क परमिट मिलेगा। बिल्कुल, तो दोस्तों ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने विजिट वीज़ा को स्टडी वीज़ा में या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि विजिट वीज़ा अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और उसके बेस पे आपके हस्बैंड को भी और आपके स्पाउस को बेनिफिट मिल जाता है। और सर ये भी मैंने देखा है कि विजिट पर जब लोग आते हैं तो उनको स्टडी वीज़ा में अगर उनकी एज ज़्यादा भी है, उनका स्टडी गैप ज़्यादा भी है, उनका IELTS भी थोड़ा सा है, तो उस पर भी स्टडी वीज़ा मिल जाता है। जी बिल्कुल, आपने खुद
देखा है आपके खुद के क्लाइंट्स को हमने किया था, वन ऑफ योर क्लाइंट्स वाज 54 ईयर ओल्ड, ठीक है जी, जिसको हमने कन्वर्ट किया था इनटू अ स्टडी परमिट. बिल्कुल. मेरे पास पिछले साल 2022 में हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स थे जिनको जिनकी एज 45, 47, 48 लेडीज की एज, हमने उनको कन्वर्ट किया है अपना स्टडी परमिट में, एंड दे हैड गैप्स ऑफ ओवर 20 इयर्स, उसको भी कन्वर्ट किया है. देयर आईएलटीएस वाज नॉट मोर देन 5.5. हमने उनको यहां पर अच्छे कॉलेज में दाखिला कराया, पीजीडब्ल्यूपी अवार्डिंग कॉलेज में दाखिला कराया और हमने उनको किया. बल्कि ऐसे मुझे सुल्मान याद आता है, पिछले हफ्ते में मेरे पास 2-3 कॉलें ऐसी आई हैं सऊदी अरब से, दुबई से, कि जहाँ पे उन लेडीज ने सऊदी अरब दुबई में रह के अपने स्टडी परमिट अप्लाई किए 3-3 दफा. ओके. वन वॉज 36 ईयर ओल्ड, वन वॉज 43 ईयर ओल्ड, समथिंग ऑफ सॉर्ट. उन्होंने अप्लाई किया अपने स्टडी परमिट्स और 3 दफा रिजेक्ट करा बैठे दोनों फैमिलीज. ओके. ठीक है जी, विजिट वीजा होने के बावजूद. मैंने कहा जी आपने क्यों नहीं विजिट वीजा के बाद आपने इनसाइड कनाडा का अप्लाई किया? नहीं जी, इनसाइड कनाडा में आपने कहा था टाइम लगता है. मैंने कहा ऑब्वियसली जेन्युइन काम करने में टाइम लगेगा. आपको जेन्युइन काम करने में हम नॉर्मली कहते हैं आप लैंड करें, लैंड करने से पहले हमसे कॉल करें, हम आपको गाइडेंस करेंगे. आपने हम आपसे प्लानिंग करके साथ आते हैं, आप प्लानिंग के साथ आपने अपना वो किया किया तो आपको 4-5 महीने में हम आपको आपके विजिट को स्टडी पे कन्वर्ट करा देंगे. इससे ज़्यादा क्या बात उसकी, उससे ये उससे बेहतर है कि आपने आपको 3 दफ़ा अपने आपको रिजेक्ट करा बैठे हैं. अब देखिए 3 दफ़ा जिसकी हिस्ट्री ख़राब हो गई उसको मैं सीधा करते करते मुझे टाइम लगेगा, उस पर खर्चा ज़्यादा आएगा, मेहनत ज़्यादा होगी. ऑफिसर ने एक दफ़ा आपका जब हमने अप्लीकेशन डालनी है आपके तो ऑफिसर ने देखना है 3 दफ़ा पहले रिजेक्ट हो चुकी है, क्यों रिजेक्ट हुई थी, आपके इमिग्रेशन के साथ रिकॉर्ड बन गया. जी बिल्कुल. तो वो अगेन दिस इज वेयर आपको आप जिस तरह अपनी हेल्थ को अपने हाथ नहीं लेते, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं करते टू अ सर्टेन एक्सटेंट से ज़्यादा, पैनाडोल से ज़्यादा आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते, तो आप फिर इमिग्रेशन के सेल्फ मेडिकेशन क्यों करते हैं? ऑफकोर्स. ठीक है, दिस इज वेयर द इनिशियल कंसल्टेशन मीटिंग्स प्लेज अ गुड रोल. मैं आपको आपके सर क्लाइंट्स 90% आपके क्लाइंट्स लेते हैं जस्ट बिकॉज के जी के वो $150 की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि दे गेट द विजिबिलिटी. आप हमसे टाइम लेते हैं, हम आपको विजिबिलिटी देते हैं, आपको पूरा पाथवे देते हैं, आपको समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वॉट इज द वे फॉरवर्ड. ठीक है सर, अगर हम स्टडी वीज़ा 2023 की बात करें, जिन बच्चों का स्टडी गैप नहीं है, फ्रेश अभी वो उन्होंने इंटर किया है या 10+2 किया है और एकेडमिक आइट्स भी किया है, तो क्या आप समझते हैं कि अभी जो पिछले कुछ पिछले साल रिजेक्शन रेट ज़्यादा था, इस दफ़ा सक्सेस रेट ज़्यादा होगा? देखिए अगेन आप याद रखिएगा स्टडी वीज़ा का, एक मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी आपसे, स्टडी वीज़ा को लोगों ने ऐसे लिया हुआ है कि जी के स्टडी वीज़ा होता है कि जी के जैसे आप है ना कुकी कटर एप्लीकेशन होती है कि जी सारी एक एप्लीकेशन को आपने अगले 100 एप्लीकेशन में छाप दिया. ये नॉर्मल एजेंट करता है. हर एप्लीकेशन इज अ सेपरेट एप्लीकेशन, याद रखिएगा बात मेरी, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एवरी स्टडी परमिट एप्लीकेशन इज अ सेपरेट एप्लीकेशन. इसमें आप ये नहीं हो सकता कि मेरे भाई की फला एप्लीकेशन थी, मेरे कजन की फला एप्लीकेशन थी तो मेरी भी सेम एप्लीकेशन डल जाएगी और अप्रूव हो जाएगी. नो, यू कैन हैव 3 सेम पीपल फ्रॉम द सेम क्लास गोइंग टू द सेम स्कूल, सेम प्रोग्राम, सेम लैंग्वेज, येट देयर एप्लीकेशन इज नॉट नेसेसरी कि अप्रूव हो. ठीक है, तो इससे बेहतर ये होता है तभी आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन लें, आप प्रोफेशनली अपना केस करवाएं, तो एटलीस्ट आपको पता हो यार कि जिसने काम किया है उसने अच्छा काम किया है, बाकी किस्मत आपकी. लेकिन हम भी गारंटी नहीं देते काम की, लेकिन एटलीस्ट हम ये गारंटी देते हैं हमने काम क्वालिटी किया. बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है चक्कर. क्योंकि सर अभी एक रिसेंटली न्यूज आई थी जिसके अंदर 800+ स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके यही मिस्टेक की थी कि जो उन्होंने लोकल कंसल्टेंट हायर किया था उसने उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीजें सही नहीं लगाई. राइट, एग्जैक्टली. देखिए जी अगेन मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ कि आपने अगले की ऑथेंटिसिटी देख के कंसल्टेंट exactly. उसका क्या उसका एक्सपर्टीज है. देन यू गो अहेड विद दैट. Exactly. ठीक है, आप अपना काम करें. अब आप हर एक को कि मेरा दोस्त उधर जा रहा है मैं भी उधर चला जाऊं जस्ट बिकॉज के जी के यू डोंट क्वेश्चन के जी वो बंदा को काम आता है नहीं आता, कितना पुराना बैठा है, क्या बैठा है. दिस इज व्हाट हैपेंस देयर फेलो. ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने बताया कि अभी समर की वजह से आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और आपके जब विजिट वीज़ा मिल जाता है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो जाते हैं और अगर आपका स्टडी गैप नहीं है तो आप जो है वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी सर आपकी हेल्प कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले आप हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होंगे तो मैं सर के साथ आपकी मीटिंग करवाऊंगा. आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सर जूम मीटिंग में आएंगे, आपको उनका प्रॉपरली आंसर देंगे और उसके मुताबिक जो है वो लेके चलेंगे. हर पर्सन का केस डिफरेंट होता है तो उसके लिए हर पर्सन को जो है वो डिफरेंट एडवाइस दी जाती है. सर लास्ट में आप कोई बात ऐड करना चाहें 2023 के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से?
देखिए अपडेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब दे आर पॉजिटिव अपडेट्स. अगेन हमेशा याद रखिएगा, मैं अपने आपके व्यूअर्स को मैंने हर दफ़ा बताया कि आप लोग हमेशा याद रखें कि जी कि जो आपको इंटरनेट पर नज़र आ रहा है दैट इज़ नॉट वॉट इट इज़. ठीक है जी, आपको जो आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हैं कि जी कोई आपको न्यू ब्रांसफिक पर लगा देता है, कोई फलाना लगा देता है, कोई फलाना लगा देता है, दैट इज़ नॉट देयर. सिस्टम है, सिस्टम मस्ट बी फॉलोड, एंड सिस्टम को आपको गाइड करने वाला जो प्रोफेशनल है वही बता सकता है. हमारा रोज का काम है. अब हम आपको रोज बता सकते हैं कि जी कि अब सुलेमान मेरे पास विजिट वीजा एप्लीकेशंस बेशुमार लेके आते हैं, मैं इनको देख के कहता हूं ये रिजेक्ट होगी या अप्रूव होगी. एग्जैक्टली ऐसे ही ना जी, आपको बताते हैं स्टडी कवर्ड एप्लीकेशंस ये बेशुमार लेके आते हैं हमारे पास. ये हम क्या देख के बता देते हैं कि यार इसका आईडी ठीक नहीं, इसको आईडी कराओ, इसको फलां कराओ, ये हो जाएगी अप्रूव नहीं होगी. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, तो हमारा काम है रोज का, हम ऐसे नहीं बैठे यहां पर. आपको पता है हमारे पास ऑफिस में 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं हमारे पास, एंड वी आर देयर. तो वो आपको एग्जैक्टली, तो हम यहां पे अपने चंद $100 की खातिर हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे. और आपको मेरा पता है आपको इस बात का कि जी कि आप उसमें बेसिक खबर. मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जी कि देर आर प्रोग्राम्स कमिंग अप, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है. ऑन्टेरियो पीएनपी स्किल ट्रेड्स में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, $25 million ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने कमिट किया है टू इन्वेस्ट अंडर स्किल ट्रेड्स. उसमें बेशुमार ऑप्शन है. यू कैन बी अ वेल्डर, यू कैन बी अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक, आप यू कैन बी अ कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, यू कैन बी अ ड्राई वॉलर, इतनी ऑप्शन हैं. उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम शायद जिक्र किया था, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे दोबारा, कि जी होम सपोर्ट वर्कर. अगर आपके पास, आप अगर अपने मुल्क में जहां पे भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कहीं भी हैं, अगर आपके पास 12+1 है वेरीफाइड, पाकिस्तान में उसको बीए कहते हैं, 14 साल वाला एजुकेशन, आपको इंडिया में इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, 12+1 वेस्ट वेरीफाइड है, आईएलटीएस में आपके पास 5 से 6 बैंड के दरमियान है, और आपके पास अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप होम सपोर्ट वर्कर में अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगेन सच बात यह है कि आपको यहां से एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए. बिना एम्प्लॉयर सपोर्ट के नहीं हो सकता, लेकिन दैट कैन बी अरेंज्ड, मतलब दैट कैन बी किसी से आपका प्रोफाइल देख के, किसी को दिखा के आपका प्रोफाइल. यहाँ पर बेशुमार फैमिलीज ऐसी जिनको अपने होम सपोर्ट वर्कर चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए या अपने बच्चों के लिए. तो एंड अगेन मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि इट विल टेक सम टाइम, ये प्रोग्राम जल्दी नहीं होता, 3 साल में आपको हो जाता है. लेकिन आप पहले वर्क परमिट पर आते हैं, वर्क परमिट के साथ आपका फिर पीआर लगता है अगले 1 से 2 साल में. तो दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर प्रोग्राम्स. आप देखें 12+1 क्या एजुकेशन है, कुछ भी नहीं, बेसिक एजुकेशन, आईएलटीएस 5 बैंड क्या चाहिए, लेकिन पीछे से आपको थोड़ी सी चाहिए एम्प्लॉयर सपोर्ट. क्या वो हम आपको एम्प्लॉयर यहाँ पर ढूंढ के आपकी हेल्प करके वी कैन गो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. पर ठीक है, तो दीज आर प्लान्स. अगर आप ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे आप लोग हैं जो अप्लाई कर, अगेन आपको क्या चाहिए, पेशेंस. लेकिन यही काम अगर आप खुद करने चाहेंगे तो आप लोगों को समझ जाएगी कैसे करना है. ठीक है, कैसे करना है, बेशुमार मेरे पास केसेस आते हैं जी, हमने खुद अप्लाई किया था, वो रिटर्न होगी क्योंकि जी आपने एक फॉर्म मिसिंग था आपका. बिल्कुल, अब वो आपको नहीं पता क्योंकि वो चेकलिस्ट में फॉर्म लिखा ही नहीं, हमें पता है वो कैसे होता है वो. राइट, सो दिस इज वेयर द प्रोफेशनल टच कम्स इन, द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम्स इन. और हम आपको गाइड करने बैठे हैं, हम आपको यकीन जाने, हम आपके चंद $100 की खातिर हम आपको गलत गाइडेंस नहीं देते. हम लोग सीधी बात है, आपको मेरी रेपुटेशन पता है, सुलेमान को पता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट. जी थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो टाइम दिया. आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और अगर आपका केस बेसिक लेवल पे एलिजिबल होगा तो मैं आपके साथ, सर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवाऊंगा और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.